वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका नीट एग्ज़ाम 2020 जो है वो पोस्टपोन होना कंफर्म है, लेकिन इस कंफर्मेशन के लिए एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आना अभी बाकी है। इतना कुछ देश में हो चुका है, 21 डेज का जो लॉकडाउन है वो अनाउंस कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन फिर भी एनटीए ने अपना कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो अनाउंस नहीं की है नीट एग्जामिनेशन 2020 को लेकर। ठीक है, वो पोस्टपोन होगी नहीं होगी इससे रिलेटेड एनटीए का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो तो इस लेटर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एनटीए तक ये लेटर पहुंच सके और एनटीए अपना जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो एनटीए की वेबसाइट पर अनाउंस कर सके। देखिए, नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना क्यों चाहिए, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि संपूर्ण भारत बंद है और इसको लेकर जो संपूर्ण कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हुई है उसको लेकर। तो लगभग 1 से 2 मंथ जो संपूर्ण बात जो है वो बंद रहा है और इसके कारण स्टूडेंट्स को इसकी जो परेशानी है वो झेलनी पड़ी है, स्टूडेंट्स अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर आप अगर चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो तो इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आपको शेयर कैसे करना है, तो आपको इस लेटर को अपनी अपनी ईमेल आईडी से जो एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर सेंड करना है। एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करूंगा और इस लेटर में आप सभी को लिखना क्या है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने खुद इसका जो नोटिस है वो अपनी खुद ईमेल आईडी से और जो एनटीए की वेबसाइट है उसको सेंड किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लिखना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है। तो एनटीए की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो है neetuz@nta.nic.in। मोबाइल नंबर ये नीचे दिए हुए हैं या फिर एनटीए ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 5 हेल्पलाइन नंबर, उन पर भी आप कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप सभी से शेयर करूँगा। बाकी एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस नोटिस में आप सभी को लिखना क्या है। तो इस नोटिस में आप सभी को लिखना है कि टू द चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नोएडा, उसके पीछे उसके बाद इसका जो पिन कोड है वो लिखना है, उसके बाद आपको इसका सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन नीट 2020 एग्जाम। सेकेंड आपको नीचे लिखना है डियर सर एनटीए टीम, एंड पूरा जो डिटेल लिखना है वो ये लिखना है कि विद द स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 3 मई 2020, वी रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड श्री @NarendraModi एंड @DGNTA डायरेक्टर जनरल NTA टू पोस्टपोन द एग्जाम बिकॉज अवर स्टडी इज टू मच अफेक्टेड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ अवर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड कोरोना वायरस आउटब्रेक, थैंक यू एंड रिगार्ड्स, लिखना है ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी अपनी ईमेल आईडी से इस नोटिस को जो है वो इस लेटर को जो है वो NTA को आपको सेंड करना है उनकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उस पर। ईमेल आईडी मैं फिर से आप सभी को दिखा देता हूँ, ये NTA की ऑफिशियल ईमेल आईडी है neetuz@nta.nic.in। अगर आप चाहते हैं कि नीट 2020 पोस्टपोन हो तो इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। फ्रेंड्स, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नीट 2020 पोस्टपोन हो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे एक क्वेश्चन जो मैंने डाला था अपने कम्युनिटी टैब में, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का जो कमेंट आया था वो नीट 2020 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ही आया था। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि नीट 2020 पोस्टपोन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते हैं कि NTA अपना ऑफिशियल नोटिस कब तक जारी करता है। बाकी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस।